इलेक्शन होने वाला है अगले 2 महीने और क्रिकेट फैंस की तो चांदी ही है, क्योंकि आईपीएल से अच्छा तो फैंस को कुछ भी नहीं लगता। हर फैन चाहता है कि उसकी फेवरेट टीम इस बार प्लेऑफ में जाए। प्रेडिक्शन तो हो गई, लेकिन अर्ली प्रेडिक्शन बनती है बॉस, और इस वीडियो में आपको बताऊंगी वो 4 टीम जो कि मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी। सबसे पहली टीम जो मुझे लगता है क्वालिफाई करेगी वो है सनराइजर्स हैदराबाद। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बार है नया कैप्टन पैट कमिंस, और कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को रिसेंटली WTC फाइनल और वर्ल्ड कप भी जितवाया है, तो इसलिए हैदराबाद ने भी इस साल कमिंस पे भरोसा जताया है। इसके साथ अगर ओवरसीज प्लेयर्स की बात करें तो इनके पास क्लेसिन, मार्क्रम, ट्रेविस हेड, मार्को जेनसन और हसन अगर जैसे प्लेयर्स हैं। ऊपर से इंडियन प्लेयर भी तगड़े हैं, जहां भूवी, उमरान मलिक, राहुल त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा जैसे नाम हैं। अब ऐसे में इनकी टीम टैलेंट और एक्सपीरियंस से भरी हुई है, इसलिए इस बार ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद का सनराइज हो गया ही होगा। दूसरी टीम जो कि प्लेऑफ में जाने की तगड़ी कंटेंडर है वो है चेन्नई सुपर किंग्स, CSK। वैसे तो हर बार ही तगड़ी होती है, लेकिन इस साल टीम में कुछ ज्यादा ही दम लग रहा है, क्योंकि एक तो आप ये देखिए कि CSK ने रविंद्र, मिशेल दोनों अपनी टीम में ले लिए है। ऐसे में बैटिंग इनकी और तगड़ी हो गई है। स्पिन अटैक में इनके पास सैंटनर, जड्डू, रविंद्र और मोइन अली के ऑप्शन है, और इनके पास दुबे जैसा पावर हिटर भी है, इसलिए CSK इस साल बहुत बैलेंस लग रहा है। तीसरी टीम जो मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर सकती है वो है गुजरात टाइटंस। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी टीम से हार्दिक चला गया, शामी भाई खेलेंगे नहीं क्योंकि इंजरी है, तो ये टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी कैसे? अब आप ये देखें कि एक तो इनके पास शुभमन गिल जैसा तगड़ा ओपनर है, साथ ही में इनके मिडिल ऑर्डर में साई सुदर्शन जैसा टैलेंट, और सिर्फ यही नहीं फिनिशर की लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके पास, जिसमें शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, डेविड मिलर और राशिद खान जैसे नाम है। बॉलिंग में इनके पास मोहित शर्मा, उमेश यादव और ऑलराउंडर्स में इन्होंने एक बड़े ही अंडररेटेड प्लेयर को लिया है, जिसका नाम है उमर ज़ाई। तो बैलेंस अभी भी इनका सॉर्टेड है, बस गिल को अच्छी कैप्टनसी करनी होगी। चौथी और आखिरी टीम जो क्वालिफाई कर सकती है मेरे लिए वो है मुंबई इंडियंस। कारण सिर्फ ये है कि इनकी बैटिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो वहाँ ओपनर्स रोहित और ईशान, नीचे सूर्य, पांडे, तिलक, नेहल और टिम डेविड है। सो इनका तो आईपीएल 2024 में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप है। साथ ही में बॉलिंग में कॉट्सी, बुमराह और मधुशंकर जैसे बॉलर्स हैं। सो MI में इस बार बहुत बड़े बड़े नाम है। टीम तो क्वालिफाई करने वाली है, बस इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो तो सब सॉर्टेड है। लेकिन हार्दिक और रोहित का इशू खत्म होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। So, ये थी मेरी प्रेडिक्शन, बट आपके हिसाब से कौन सी 4 टीम प्लेऑफ में जाएगी कमेंट में जरूर बताइएगा।